नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो हम बातें करेंगे बिग बॉस मराठी हाइलाइट्स के बारे में कि आज के शो में हमें क्या क्या दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि जो लास्ट वीक में सबको महेश से एक डांट पड़ी थी, उस डांट का असर शायद होने लगा इन लोगों के ऊपर, क्योंकि अब सबके सब टास्क करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। सब कोई भी टास्क में गिव अप नहीं करना चाहता है। लाइक ऋतुजा, जूई, पुष्कर, भूषण, जितने भी लोग हैं, अनिल, इवन अनिल ने भी बहुत ट्राई कर रहा है टास्क करने की, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है जो कि अब आ रही है घर में। और टास्क, ऑब्वियसली टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस के घर में, तो टास्क सब कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी चीज है। तो आज हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से पुष्कर को लेकर सई और मेघा के बीच में एक तकरार होती है, और वो तकरार तो होनी ही थी क्योंकि सई के लिए इंपॉर्टेंट पुष्कर है मेघा से भी ज्यादा। मेघा बहुत ट्राई कर रही है कि इनकी दोस्ती ना टूटे, वो करे, क्योंकि अब क्यों गिव अप करे। ऑब्वियसली बात है कि वो क्यों गिव अप करे, वो टास्क तो करेगी ना, अब चाहे पुष्कर हो सामने या फिर कोई भी हो, तो टास्क तो उसको करना ही है। अब वो सिर्फ एक उसके लिए अगर गिव अप करेगी तो ये तो कुछ नहीं बनता है। और जिस तरह से साई उसको कन्विंस करती है हमेशा कि पुष्कर ऐसा पुष्कर वैसा, तो ये क्यों, क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस वो क्यों दे रही है, ये समझ नहीं आ रहा है ये चीजें। वही पे जहाँ पे कैप्टनसी के लिए सबको टास्क करना है, और टास्क इतने भयानक है, बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, बहुत सारे वो मिट्टी के बॉल रखे हुए हैं जिसमें से आपको बहुत कुछ बनाना है, ग्रास कटर रखा हुआ है जिससे आपको एक्टिविटी करनी है, और घर वाले एक एक दूसरे को टास्क देंगे और वो टास्क खत्म करना है। और ये टास्क बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। किसी को दिया जाएगा अंडे खाने के लिए, ऐसे ही कच्चे अंडे खाने के लिए, तो किसी को दिया जाएगा अंडे को मुंह से फोड़ने के लिए, तो किसी को दिया जाएगा क्रॉस हैंड करके अपने ग्रास कटर से कुछ कुछ कट करने को। तो ये सारी चीज, ये एक्टिविटी जो हो रही है, ये कितनी इंटरेस्टिंग होती है और कितनी ज्यादा इंटरटेनिंग होती है, ये तो हमें आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड से एक बात ये साबित हो जाएगी कि सई और मेघा के बीच में जो थोड़ी बहुत भी जो बॉन्डिंग बची हुई है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, वो बहुत ही जल्दी टूट गई। तो बेसिकली जो आस्ताद का प्लान था वो प्लान कामयाब हो गया है, और वो प्लान अब राजेश भी आने वाले हैं, या तो वो कल आएंगे या तो वो संडे को आएंगे, तो राजेश भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब आने के बाद वो कितने ड्रामे करवाते हैं और क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में, और जो ये इन लोगों का एक प्लान चल रहा है वो प्लान कब तक टिकता है, तो ये देखना होगा। या फिर महेश जी आके ये बोलते हैं कि भाई तुम लोगों ने ऐसे प्लान बनाया था सई और मेघा के खिलाफ, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सबके सब, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई सई और मेघा की दोस्ती को तोड़ने का प्लान कर रहा है, और यही चीज हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सई जो है वो अर्शी का काम कर रही है और मेघा जो है वो शिल्पा का काम कर रही है, क्योंकि अर्शी भी दूसरी टीम के साथ मिलकर शिल्पा के साथ दोस्ती तोड़ी थी, और वही चीज सेम सई भी कर रही है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली यही कहानी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर कोई डिफरेंट कैरेक्टर होता है। तो देखते हैं कि सई और मेघा की दोस्ती कितने दिन टिकती है और आज का शो कितना इंटरेस्टिंग होता है, ये तो हम देखेंगे आज के एपिसोड में। सतत्व के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।